गुड मॉर्निंग, आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे होगा आखिरी ट्रेडिंग डे। उससे पहले डे की अगर बात करें, कल के दिन थी हमारा एक्सपायरी के दिन जो एक्शन रहा है वो पॉजिटिव वे में ज्यादा रहा है, आप यहां देख पा रहे होंगे। इसके पीछे का रीजन जाने दो रीजन है। एक तो है जब हम कल के दिन ओपन हुए थे, हमें जितने भी ग्लोबल मार्केट था सभी हमें आइडियाज दे रहे थे, क्लूज दे रहे थे कि आज के दिन जो मार्केट है वो पॉजिटिव रह सकता है, तो कुछ वैसा ही हुआ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए थी, हम उस लेवल के आसपास जा चुके थे, यानी दो से तीन दिन की जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में चल रही थी उसके बाद हम उस लेवल के आसपास चले गए थे, यानी 600 से भी नीचे चले गए थे। वहां से एक बाउंस बैक आना एक ऑलमोस्ट तय हो चुका था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कुछ कल के दिन वैसा ही हुआ है। एंड उसके बाद बात करें, आप यहां देखोगे जो आज कल की जो क्लोजिंग हुई है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, 800 से ऊपर हुई है, 15,800 से ऊपर। तो ऐसे में तो हमें तो सारे के इंडेक्स 1% से ऊपर बढ़े सिवाय अगर बैंक निफ्टी को छोड़ दिया जाए। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त, अगर बात करें अगेन हमें जो ग्लोबल मार्केट संकेत दे रहे हैं, आपको एसजेक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है 832 के आसपास, यानी अगेन उस लेवल के आसपास। तो कल के दिन जब हम इस मॉर्निंग अपडेट में हम कवर कर रहे थे तो हम 750 के आसपास थे, अभी हम 850 के आसपास, यानी अगेन फिर से एक हमें एक रेजिस्टेंस के आसपास। हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 800 के ऊपर तो सस्टेन कर गया कल के दिन, अगेन 900 915, ये वो लेवल होंगे जहां से अभी रिसेंट में हम रिसेंट का जो हाई है, हमारे लिए ये रिसेंट के जो हाई है रेजिस्टेंस का काम करेंगे इंट्राडे बेसिस पे। आज की अगर बात करें, अगर हम बात करें सपोर्ट की, देखिए 800 सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट का तो काम करेगा, अगर वो ब्रेक होता है तो 750 तक लेवल आते हुए दिखाई पड़ सके। लेकिन आज के दिन की बात करें, आज के दिन आपको मार्केट जो जितने भी दिखाई दे रहे वो न्यूट्रल टू ग्रीन की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे, इसलिए आज भी हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर ज्यादा रखनी चाहिए। उसके बाद आप यहां देख पाएंगे बाकी मार्केट तो आपको किस तरह से आइडियाज दे रहे। फोकस करें उसके बाद क्रूड ऑयल के ऊपर, आप यहां देखोगे उसमें अच्छी तेजी है, नेचुरल गैस में तेजी है, गोल्ड एंड सिल्वर में भी थोड़ी थोड़ी यहां से निचले स्तर से खरीदारी आ ही रही है। फोकस करें INR के ऊपर, यानी USD INR, आप यहां देखोगे इसमें कल भी प्रॉफिट बुकिंग थी, आज भी प्रॉफिट बुकिंग है, ये 7450 के नीचे आ चुका है। इसने जो रिसेंट का हाई था वो 748580 के रफली उसी के आसपास था, वहां से जरा सा नीचे आ चुका है। बाकी में सभी जगह आपको प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई दे रही है या फिर न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बाद अगर बात करें, फोकस करें उसका इंडिया विक्स के ऊपर, आप यहां देखेंगे कल के दिन, यानी पिछले दो दिनों में इसमें जंप तो रही थी, 4-4, 3-3% की जंप हुई थी, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ वो इरेज हो चुका है और आप यहां देख पाओगे अभी भी 11.88 के आसपास, 12 से भी नीचे आ चुका है। इस लेवल से, इस लिहाज से अभी भी कोई टेंशन की बात हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगर फोकस करें FIs and DIs के एक्शन के ऊपर, कल के दिन आप यहां देख पाएंगे कल के दिन भी FIs ने कुछ माल बेचा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन DIs ने फिर से खरीदा है। कल के दिन में का जो नेट फिगर निकल गया वो नेट फिगर है बाइंग की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। इंस्टेड ऑफ हम 20 से इसको कंपेयर करें, 20 जुलाई की बात कर रहे हैं, उस दिन नेट में जो नंबर था वो सेलिंग की तरफ ज्यादा था। इसके बाद अगर फोकस करें ना जिन कंपनीज के ऊपर न्यूज है या फिर जिनके रिजल्ट आज के दिन आने हैं, सबसे पहले जो नाम है एक अपने आप में जो फंड है इंडेक्स है, रिलायंस इंडस्ट्री, उसका आना है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट, GSW स्टील, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं, कल ही पोस्ट किया है। बाकी यूनाइटेड स्प्रिट, ये सारे वो कंपनीज है जिनके रिजल्ट आज के दिन आने हैं, हो सकता है आपके पास इनमें से कुछ हो तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक जो न्यूज होगी वो होगी यूनिकॉर्न के ऊपर, यानी कि हम बात करें Zomato के ऊपर। इसकी जो लिस्टिंग डेट थी पहले वो 27 जुलाई के आसपास थी, उस दिन थी। अगर बात करें आज के दिन, ये वो चेंज होकर वह डेट आज के दिन हो चुकी है, यानी इसकी लिस्टिंग डेट आज ही होनी है। कल इसका अलॉटमेंट हुआ था, कल ही रात को अलॉटमेंट आया, शेयर आए, और उसके बाद आप यहां समझ पा रहे होंगे कि आज ही इसकी लिस्टिंग है। चीजें जरा से क्विक फॉर्म में हो रही है, तो इसीलिए ऑलरेडी काफी सारी चीजें इसमें नई है, यूनिक हो रही है, प्लस प्रोसेस भी थोड़ा सा नया हो रहा है, इसलिए इसमें बहुत कुछ एक्शन आज के दिन आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि पहले इसके लिस्टिंग से पहले इसके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके जो कंपनी जो रिजल्ट के बेसिस पे, लेकिन कंपनी का बिजनेस ऐसा नहीं है, कंपनी का बिजनेस थोड़ा यूनिक है, नया है, आगे चल सकता है, ये बहुत सारी चीजें इस तरह से निकल के आ रही थी। उसके बाद जब ये सब्सक्राइब हुआ तो बड़ा ही अच्छे से सब्सक्राइब हुआ, वहां पर बड़ी अच्छी चीजें हुई। एंड उसके बाद जब इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई थी वो 27 की थी, वो भी पहले आ गई थी। एंड उसके बाद जब सब्सक्रिप्शन का डेट निकली थी उससे पहले ही ये शुरू हो चुका था, यानी बहुत सारी चीजें इस यूनिकॉर्न में नहीं हो रही है। एंड इसके लिए आज के दिन ये देखना बड़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग की जो एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ रखी जा रही है 25-30% के बीच में रखी जा रही है, ये तो लिस्टिंग गेन है। उसके बाद एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर हम इसको भागते हुए देखेंगे, ये तो मार्केट हमें सब कुछ बता देगा, लेकिन फोकस पर जरूर रखना चाहिए ये शेयर आज के दिन।
उसके बाद फोकस करें जिन कंपनीज का Q1 का नंबर कल के दिन निकल के आए। सबसे पहले फोकस करें सीमेंट सेक्टर के ऊपर। हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में या फिर महीनों की बात करें सीमेंट सेक्टर में बड़ी तेजी रही है। उसमें से आपको एग्जांपल दिखाई देगा यहां पर कि इस कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं, अगर हम बात करें इसको जो रिपोर्ट की बात करें 40.27% की इंक्रीज हुई इसकी इसके नेट प्रॉफिट में, जैसे आप अच्छा कह सकते हो 40% की। जो पिछले अगर बात करें अप्रैल टू जून क्वार्टर में जो लास्ट ईयर की बात करें, इसी साल इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर की बात करें, उस वक्त था 48.94। यानी कि जितना जितना प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल था 48.9794 crore, उतना ही परसेंट की ईयर बेसिस पे आपको दिखाई दे रही है। इस साल जो जंप हुए 40% दिखाई दे रही है, यानी किस तरह से चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है आपके सामने। उसके बाद फोकस करें दूसरे सीमेंट के ऊपर, यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। इस कंपनी के जो रिजल्ट इस बार पोस्ट किए 2-fold की उसमें जंप नजर आ रही है। इस बार जो कंपनी ने पोस्ट किए रिजल्ट वो है 1700 crore के आसपास। इससे पहले इसी क्वार्टर में जो कंपनी ने पोस्ट किए थे वो थे 793 crore के आसपास। वहां से आपको चीजें बिल्कुल बदलते हुए दिखाई दे रही, इसीलिए बड़े ही अच्छे इसमें तेजी भी देखी है, प्लस ये तो है ही लीडर। उसके बाद फोकस करें हम सभी की चहेती कंपनी है IndiaMart। एक क्वार्टर से बिल्कुल शांत बैठी है। पिछले क्वार्टर में जब इसका नंबर आया तब उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आई थी और आज तक वो प्रॉफिट बुकिंग खत्म ही नहीं हुई है, मतलब अपने बेस के आसपास है, बेस तो बना लिया है। और आज के दिन के जो रिजल्ट आए हैं आप यहां देख पाएंगे, जो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है आपको 18.6% के आसपास। ये भी चीजें बढ़ी हैं, एंड उसके बाद जिसका रेवेन्यू है YOY बेसिस पे दोनों चीजें बढ़ी हैं। तो बाकी डिटेल में समझने के लिए आपको इसको जो बैलेंस शीट है वो देखनी पड़ेगी। यहां पर हम क्विकली में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस आज के दिन मार्केट्स का जो एक्शन रहेगा आपके सामने, बट नंबर्स अच्छे हैं YOY बेसिस पर। उसके बाद फोकस करें अगली जो न्यूज निकल के आ रही है हीरो मोटोकॉप के ऊपर। कंपनी ने जो है एडवांस कनेक्टेड रिच फीचर जो इनका एक जो इनका मेस्ट्रो है मेस्ट्रो एज उसको लॉन्च किया है, मेस्ट्रो एज 125। तो इसके ऊपर भी फोकस रखते हैं इस कंपनी के ऊपर भी। प्लस इस बीच में आईटी कंपनी ने तो अच्छा काम किया ही है, आपको नंबर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है एम्फोसिस, बड़ी ही शानदार कंपनी है। इसके जो रिजल्ट आए 23% के जंप दिखाई दे रही है आपको। वहीं अगर हम बात करें पिछले साल से, पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 275 crore और इस वक्त हो चुके हैं 339 के आसपास, यानी चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरी आईटी कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं पॉसिशन, ये भी एक शानदार कंपनी है जितनी पहली वाली थी। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट के ऊपर 68% की जंप दिखाई दे रही है इसके भी नेट प्रॉफिट में, जो इस वक्त निकल के आ रहे हैं 151 crore के आसपास, 151.2 crore, और जो पहले थे इसी क्वार्टर में पिछले साल अगर बात करें 90 crore। चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगी जो हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर हम फोकस करें अगली जो न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है हिंदुस्तान जिंक। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में दिखाई दे रहा है कि 45.9% की इसमें जंप नजर आ रही है। किस तरह से जो मेटल में तेजी आई है, किस तरह से उसके वॉल्यूम बढ़े है, किस तरह से डिमांड बढ़ी है, उसके वजह से हमने जितने भी है हिंदुस्तान जिंक हो गए या फिर बाकी और कंपनीज हो गए सभी में बड़ी अच्छी तेजी और उनके नंबर भी बड़े अच्छे देखे। मॉर्निंग अपडेट में इतना ही। इन सब के बाद अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक, या फिर प्राइवेट चैनल का पार्ट अभी तक नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।